एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए आयाम के साथ में, नए सपनों के साथ, एक नया जीवन बनाने के लिए, एक नई सोच बनाने के लिए आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने पूरे सागर इंस्टीट्यूशन में। दिल से आभार, दिल से आपका स्वागत है। माता पिता का, जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा, अपना पूरा भविष्य, हर माँ बाप का भविष्य अपने बच्चों पे बोता है। मेरा पूरा भविष्य मेरी बेटियां शिवानी के ऊपर है, ऐसे ही हर माँ बाप का भविष्य उनके वार्ड्स पे होता है, उनके बेटा बेटी पे होता है। उसको सर्जन करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए, उसको एक उत्तम इंसान बनाने के लिए, उसको एक बेस्ट पर्सन बनाने के लिए उन्होंने हमें दिया है। दिल से स्वागत है उनका, दिल से आभार है। एक कोशिश कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, एज ए चेयरमैन दिस ग्रुप हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वो शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए हम उस शुरुआत में अपने आप को सबसे पहले, कुछ भी चीज़ का लर्न करने से पहले, मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को हमें तैयार करना पड़ता है। कुछ भी काम करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, दिमाग से, दिल से, शरीर से तैयार करना पड़ता है। वेलकम टू ऑल। रियली ग्रेट प्लेजर, एक जीवन की शुरुआत हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे नई शुरुआत, नए? मैं किसी फिलोसोफर को सुन रहा था, वो कह रहा था हम हर बार हर चीजें दो बार करते हैं, जो काम करते हैं दो बार करते हैं। एक बार हम ड्रीम में करते हैं, हमें पहले उसका प्लानिंग स्ट्रेटजी और एक सोच कर बनाते हैं, और फिर उसको दूसरी बार फलीभूत करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी बनाया होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं चार्टर्ड, एक बार आपने अपने आप में सजाया होगा, तो वो आज आप इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं। दोनों चीजों में कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है, हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारी सोच प्योर होगी, चाहत होगी चीजों करने की, तो दुनिया की पूरी कायनात, आपने शाहरुख खान वाला डायलॉग सुना होगा, अगर दीक्षा से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो अब आपकी आज पूरी कायनात, पूरी फैकल्टी सब मदद करने के लिए राजी हो गए, बस अब आपको चाहना पड़ेगा। क्या चाहना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। एक तो सबके पास पेन कॉपी है ना? यस, तो खोल लो उसको, आप कागज पेन निकाल लो, उसमें देख लो आपने पिछले स्पीकर्स के क्या क्या बातें लिखी हैं। खुद ही अपने आप को वैल्यूएट करो कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। डॉक्टर मनोरिया स्पीक सो मेनी थिंग, आपको एजुकेशन के बारे में उन्होंने एक नई परिभाषा दी, परिभाषा बहुत पुरानी थी परंतु उसको समराइज करा गया कि एजुकेशन क्या होती है। एनीवन के नोटेड डाउन, कोई नोटेड डाउन करा था क्या? नो वन नोटेड डाउन। तो मैं मनोरिया सर से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर वो एक बार फिर से बताएं, आपने रियली बहुत अच्छा समराइज करा कि क्या बात है वो एजुकेशन को, समराइज करा के सबको नोटेड डाउन करा दे सर। आप नोट करिएगा सब अच्छे से, सर स्लो स्लो बोल के आपको नोट कराएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट एजुकेशन इज नॉट ओनली द डिग्री, इट इज द नॉलेज, इट इज बिल्डिंग एटीट्यूड, बिल्डिंग योर कैरेक्टर एंड फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड योर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड योर पेरेंट्स एंड फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड इंस्टीट्यूट and responsibility toward the country. If you achieve all this thing, you will be educated and you can change the world. अपना व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो कर सकते हैं हमें करना पड़ेगा। Yes? बस तैयार हो जाए, बहुत सारी बातें करनी थी, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको दिखाने वाले हैं, सब कुछ बातें कर चुके हैं, टाइम मैनेज करें, अपना रूटीन बनाए, अपना आइडियल्स बनाए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं हम, आपको भी करना है। और ऑलवेज लिव इन सच्चित आनंद,
एक वर्ड लिख लो अपने सब कागज पे, सत चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ हमेशा चित में मना रहे।